सुबह करती है शाम करती है, सुबह करती है शाम करती है, नहीं एक पल विराम करती है। आप सबों की अपूर्ण निष्ठा को मेरी सदा प्रणाम करती है। विद्यालय में मौजूद है जहां सीबीएसई बोर्ड में लगभग 11 बच्चों ने अरवल जहानाबाद जिले के विद्यालयों से टॉप किया है, जिन्हें सम्मानित करने के लिए अरवल अपर समाहर्ता ज्योति कुमार के द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में बुलाई गई है। आज मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूं। मुझे याद आ रही है अभी कुछ देर पहले स्वागत गाने बच्चों ने गाया, आज अरवल की धरती जवां हो गई, प्यार पा के आप उन्हें फिदाओगे, रियली में हो गई। हमारे बच्चों का प्यार पाकर के रियली आज मैं फिर से जवां हो गई हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह हमारे पेरेंट्स का सहयोग मिलता रहे और हमारे बच्चों का उत्कृष्टता प्रचलन पर रहे, और इसी तरह पायस मिशन स्कूल आगे बढ़ते रहे, अरवल का नाम ऊंचा करे, और ना कि अपने जिला का नाम रोशन करे। ये हमारे बच्चे जो हमारे पायस मिशन से स्टूडेंट्स हैं, वो सिर्फ अपने अरवल का नहीं, अपने राज्य का, अपने देश का नाम रोशन करते रहे, जहाँ कहीं भी रहे वहाँ अपने कर्तव्यों से अपने आप को इतने फलीभूत रखे कि वो हर जगह अपना परचम लहरा सके। 2022-23 के लिए जो हमारे बोर्ड का उत्कृष्ट प्रदर्शन हुए, उसके लिए मैं अपने सारे बच्चों को साथ साथ उन पेरेंट्स को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि विदाउट पेरेंट्स एफर्ट्स आई कैन नॉट डू एनीथिंग, आई कैन नॉट अचीव द सक्सेस। हम लोग घर में पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग स्कूल में पढ़ाते हैं घर में, अगर हमारे पेरेंट्स उनकी मेंटली और फिजिकली देख रेख नहीं कर पाएंगे तो वो बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपने जो एक टीम वर्क की तरह काम किया, हमने यहाँ से पढ़ा के भेजा और आपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत आभार। पायस मिशन परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार। हमारे शिक्षक हैं, आज उनकी कठिन मेहनत के वजह से ही आज पायस मिशन दूसरी बार 2020 में हमारा 10th का एफिलिएशन हुआ, 2021 में हमारा 12th का एफिलिएशन हुआ, 2022 में भी हमने डिस्ट्रिक्ट टॉपर दिया और 2023 में भी हमने डिस्ट्रिक्ट टॉपर दिया। 2022 में सिर्फ अरवल को मार दिया, 2023 में हमने अरवल और जहानाबाद को मार दिया। उम्मीद करती हूँ मेरे बच्चों कि 2024 आने वाले सालों में मैं सिर्फ जिलाओं को नहीं राज्य को टक्कर देंगे, और हमारे में उम्मीद करती हूँ हमारी एक्सपेक्टेशन बच्चों आपसे ही है, हमारे शिक्षकों से ही है, क्योंकि शिक्षक के कठिन लोगों के बदौलत हम एक दिन राज्य में भी अव्वल आएंगे। यह मेरी आपकी लोगों के तरफ से यह हमारी शुभकामना है, हमारा प्रयास है, हमारा आप लोगों से ख्वाहिश भी है। ये कहना चाहती हूँ, माताओं सिर्फ बच्चों के जन्म देने की वजह से नहीं रहते हैं, उनकी पहली पाठशाला भी माताएं होती है। सो एक बार उन माताओं के लिए जोरदार तालियां चाहती हूँ। अगर पहला शब्द कोई सिखाने वाला है तो वो हमारी माताएं होती है। आज जो भी बच्चे आगे बढ़े हैं उसमें माताओं का ही योगदान है। ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि मैं पिताओं का योगदान नहीं है, पिताओं का योगदान आर्थिक है, लेकिन माताओं की योगदान मानसिक और शारीरिक दोनों योगदान हमारे माताओं के लिए ही है। माताओं के बिना बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते, उनकी हमेशा, हमने पहले भी कहा है, बच्चे को आगे बढ़ाना एक टीम वर्क है, जो हमारा स्कूल प्रशासन, हमारे शिक्षक, हमारे पेरेंट्स और बच्चे, ये चारों के तालमेल से बने हैं, और मैं चाहूंगी कि इसी तरह ये तालमेल बनता रहे और हमारा स्कूल इसी तरह आगे बढ़ता रहे, बच्चे अपने परचम लहराते रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बच्चों के कार्यक्रम में जल्दी मैं मिस नहीं करता हूँ। एस नाम बड़ा सुंदर सुना है आपका, पायस है ना, इससे बड़ा नाम कुछ नहीं हो सकता है, इतना प्योर और सेक्रेट नाम की तरह ये इंस्टीट्यूट काम कर रहा है, इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और अरवल जिले में क्या नंबर है हम तो नहीं जानते, आप पत्रकार बंधु जानते होंगे,
आप लोगों को भी स्पेशल स्वागत करते हैं, सूर्य था आपको रिफ्लेक्ट नहीं करता है ना। पत्रकार का बहुत महत्व है यहाँ पर, पत्रकार बंधुओं का। तो अगर ये नहीं है तो आपका स्कूल भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो बहुत गया अप्रिसिएशन के लिए सभी 11 जो है बच्चे हैं उनको, उनके लिए और उनके पेरेंट्स के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। इतना सुंदर मोमेंट, कितना वंडरफुल मोमेंट है। बच्चे जब अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराते हैं अपने अचीवमेंट से, तो इससे वंडरफुल मोमेंट हो ही नहीं सकता। मोस्ट मोस्ट ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल मोमेंट व्हेन चाइल्ड मेक पेरेंट्स प्राउड ऑफ हिज अचीवमेंट है कि जो बच्चे, चूंकि ये परिपाटी है कि जो बच्चे आगे आएंगे स्कोर आएंगे उनको सबको सम्मान नहीं कर सकते हैं, उनको भी उनके लिए भी है कि लो स्कोर थोड़ा सा पाना ये कोई जरूरी नहीं कि आप जीवन में नहीं दें। गॉड ने अलग अलग सबको बनाया है, अलग अलग डिजाइन किया है, अलग अलग काम करने के लिए। वो किसी से कम नहीं है, सबसे लोएस्ट स्कोर करने वाले भी कम नहीं किसी से, उनका अलग एबिलिटीज होगा। एक चीज बहुत अच्छा लगा, ये जो प्रेयर सॉन्ग बनाया है बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल, बड़ा चार्मिंग है। और बच्चे जब गा रहे थे एक मैजिकल मैजिकल सराउंडिंग लग रहा है। इट इज एक्चुअली फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल एंड मदर इज द फर्स्ट टीचर अनडाउटली। पिता को कहाँ अभी अपना बिजनेस या अपने काम से फुर्सत कहाँ मिलता है। मदर बड़ी संजोती है ना अपने बच्चे के लिए, है ना, बहुत सा काम करती है, बड़ी सोचती है। स्कूल से आ रहा है तो आशा देखते रहती है गेट पर, है ना, हम देखे हैं, एक्सपीरियंस है। बड़ा सुंदर वो रहता है कि बच्चे के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, है ना, टास्क बना कि नहीं, ये मदर देखती है। कुछ पिता देखते होंगे लेकिन जनरली जो है नहीं देखते। तो मदर के लिए, सभी मदर के लिए एक बार जोरदार डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ एनवायरमेंट, फैमिली, मदर, पेरेंट्स, स्कूल में सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। कितने घंटे CBSE 10th के रिजल्ट में सबसे टॉप इसी स्कूल से बच्चे किए हैं। ये अभी हम दो बच्चों से पूछे, एक सब बच्चे से नहीं पूछ पाए, हम मिस कर गए। एक लड़की जो टॉपर है उससे पूछे क्या बना जाए, तो बोली कि IAS बना जाए। क्लियर है उसका क्लैरिटी ऑफ जो है क्या एम है, क्लैरिटी ऑफ एम, बड़ा सुंदर लगा। उस बच्चे के लिए भी ताली मिलेगी, है ना। हाँ, एक बच्चा जो यहाँ पर CBSE टॉपर है वो बताया कि हम ये नीट कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, डॉक्टर डॉक्टर बनेगा तो इलाज फ्री में भी करेगा। यहाँ के बच्चे का ऐसा है IAS बनेगी कि बड़ा डिसिप्लिन से सामाजिक जो है सामाजिकता का भी काम करेगी और जो है ना वेलफेयर का भी काम अच्छे ढंग से लागू करेगी, बन जाएगी कोई अनडाउटली, है ना। अगर इतना बड़ा मन में एम है तो कोई रोक नहीं सकता। ये लहरों से डर कर नौका पार, है ना, जो है बहुत अच्छा बोल रहे थे आप। पर जो भी बच्चे हैं माने टॉप 10 से अगर थोड़ा नीचे भी कोई उनके लिए नहीं है। एक बार यदि एडिसन साहब का कहानी सुने ना बच्चों, सभी लोग सुने होंगे, सुना देते हैं थोड़ा सा। तूफान तो आएगा, सागर की ये फितरत है, लहरों से लड़ेगा वो, जिस साक्ष में हिम्मत है। टूटी हो कश्ती तो लहरों से है टकराना। बच्चों के लिए कभी भी कोई बात करे चाहे नहीं करे, है ना, समझे, अपने को सही रास्ते पर लेके चलना है और कभी लो फील नहीं करना है। हमेशा, है ना, गॉड मेरे साथ है,
माँ बाप मेरे साथ हैं, टीचर मेरे साथ हैं। एक बच्चे से बच्चे बहुत अच्छे करेंगे, अपने जॉब करियर प्राप्त करेंगे, लेकिन अपने अल्मा मेटर को नहीं भूलना चाहिए, है ना। ये अल्मा मेटर में कभी कभी आके देखेंगे, यही हम पढ़ते थे, है ना, यही खेलते थे। खेल भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, खेल खेलना चाहिए। जो बहुत बाती है, यहाँ का स्कूल का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, बड़ा एम्बियंस, एम्बियंस इज वेरी इम्पोर्टेंट टू डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। सुबह करती है, शाम करती है, सुबह करती है, शाम करती है, नहीं एक पल विराम करती है। आप सबों की अपूर्ण निष्ठा को मेरी सदा प्रणाम करती है। मैं आप सबों के लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, स्पेशली डीएम सर जो आए हुए हैं, प्रिंसिपल मैम, डायरेक्टर सर, तमाम यहाँ पर जितने भी टीचर्स लोग हैं, मेरे तरफ से धन्यवाद है उनको कि मुझे इस लायक समझे और इस मंच पर बुलाया गया है। बच्चे कल के भविष्य हैं, ये तो आप लोग सब लोग ही जानते हैं, इसलिए मैं सभी बच्चों से यहाँ रिक्वेस्ट करती हूँ कि बेटे मेहनत में ही सब कुछ है, और मेहनत के साथ साथ आत्मविश्वास भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा तो मेहनत किसी काम की नहीं रहेगी, इसलिए लगातार मेहनत करते रहो, सफलता मिलते रहेगी। ऐसे नहीं है कि मेरा बच्चा टॉपर किया है तो मैं अपने बच्चों के तरफ से कह रही हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए कह रही हूँ। यहाँ पर जितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उन सबके लिए मैं यही कह रही हूँ, बेटा मेहनत करते जाओ, सफलता आगे मिलते ही जाएगी। Celebrate the achievements of the students who worked very hard and excelled in their board examinations. So first of all, I would like to thank my family to support me in every aspect of my life. Whether I secured 0 or 99, this would have never been possible without my family members. In addition to this, I would also like to thank my teachers who guided and mentored me throughout my whole journey. Without their guidance, I would have never succeeded in my life. So congratulations again to all of you present here, and let us celebrate this wonderful occasion together. Thank you. Thank you. Teachers, parents, my juniors, मतलब कि पढ़ाई करो, इतना मतलब कि सर बता रहे हैं उतना पढ़ो, उसके बाद तो हो ही जाएगा। मेरे expectation और भी थे कि मैं 96 कम से कम आ सके, तो 94 है, ठीक है, but I will try my best in my future. क्लास टेन उतना हार्ड नहीं है, मतलब कि पढ़ो जितना सर बता रहे हैं, जो जिस बुक से बता रहे हैं उससे पढ़ो, एनसीईआरटी बेस्ट है उससे पढ़ो। एग्जाम के लिए साइंस के लिए ठीक है, मैथ्स तो सर पढ़ा ही रहे हैं, बाकी तो